तो वो अहले सुन्नत में से लोगों को खरीदते हैं जिन्होंने लिबादा अहल सुन्नत का पहनावा होता है और हकीकत में वो राफियत के गंदे लुत्फे होते हैं जिसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद है इसहा इंसानों में से था इंजीनियर मिर्जा मरदूत इसी किस्म के इंसानों में से है राफजियत के पैसों पर पलने वाला एरान के टुकड़ों पर पलने वाला ये जानवर सुहाबा के बारे में अपनी जुबान गंदी दराज करता है और हकीकत में इसका मन पलीत है इसके मानने वाले इससे बड़े पलीत हैं। यहां पे हमारे जेलम शहर में भी बास जगह ना वो एक एक्स तंजीम थी तकफीरी पार्टी देवबंद मकबे फिकर की जिन्होंने देवबंदियों की काफी बदनामी करवाई और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर तबलीगी जमात ना होती तो देवबंदीत की कमर तोड़ दी थी उस जमात ने कलम हो चुकी है उन्होंने मुख्तलिफ जो सरकारी बोर्ड थे ना हॉस्पिटल का बोर्ड हो गया थानों के बोर्ड लगे होते हैं रोड के किनारे उनके ऊपर भी अल्लाह मौला अल्लाह मौला रात के वक्त ना आके ना वो पेंट फेर दिया होता है ना वो सांचा रख के ऊपर पेंट मारा तो अल्लाह मौला लिखा गया पहली तो बात यह कि ये बिल्कुल हराम है कि आप किसी की इजाज़त के बग़ैर उसकी दीवार के ऊपर कोई इस तरह का जा कलमा जाके लिखते हैं चाहे कलमा इस्लाम भी लिखे ये हकूकली बात का मसला है और फिर सरकारी जो तनसीबत हैं वो सुनी शया तो नहीं होती थाना सुनी और शीह नहीं होता जैसे मैंने कहा ध्रूद सुनी और शिया नहीं होता सैयद भी सुनी और शी नहीं होता तो थाने सुनी शिया तो नहीं होते हॉस्पिटल सुनी शेह तो नहीं होते वहाँ पर जाके उनके बोर्ड्स के ऊपर ये लिखना तो ये मतलब आप अजीब व गरीब काम करें फिर वो आके शिया फिर वो आके अली मौला लिख जाते थे ठीक है अल्लाह मौला और है अली मौला और चीज है ये दोनों अलग चीजें मौला का लफ्ज अरबी जुबान के अंदर अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल हुआ है अहल बैत के लिए भी इस्तेमाल हुआ है सहाबा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है फरिश्तों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है लेकिन ये अपने कॉन्टेक्स में बताएगा कि यहां पर मौला का माना क्या है जिस तरह सूरतुल बकरा में जाहिर है तो यहां से है तो मौला से मुराद मुश्किल कुछ आए वो तो सिर्फ अल्लाह है, ईया का का नस्ताइन, तो ईद पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है सूरत नमल की आय नंबर टू है ना अमईजीबल भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है वह यक और तुमसे बुराई को तकलीफ को दूर करता है वह जालुकुम खुलफाल अर्द और तुम्हें जमीन पर अगलों का खलीफा करता है यानी तुम्हारे बाप दादा के बाद तुम्हारे तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद को अः क्या अल्लाह के साथ भी कोई और अला है जो तुम्हारी तकलीफ दूर करे कलील लम्मात अदग करून बहुत कम लोग ही नसीहत हासिल करते हैं तो अल्लाह ने कुरान में वाज फ़रमा दिए कि अल्लाह के, के सिवा जिस शख्स के बारे में तुम्हारा ये अकीदा और तुम्हारी मुसीबत तो और परेशानी दूर करेगा तो गोया उसे तुम खुदा मान रहे हो इसको मैं मैंने बड़ी आसान मिसाल से समझाया कि बारिश कौन बरसाता है अल्लाह ड्यूटी किसकी है फरिश्तों की तो बारिश फरिश्तों से मांगेंगे या अल्लाह से फरिश्तों से मांगेंगे तो मुशरक हो जाएंगे अल्लाह से मांगेंगे वो अल्लाह की मर्जी फरिश्ते भेजे जिन्नात भेजे कोई बुजुर्ग भेजे हवा भेजे बुजुर्गों को अंबिया को जिन्नात को फरिश्तों को सिहाबा को को पुकार नहीं सकते मदद के लिए का, का नस्तादर करें वह तक वाला नेकी परेस गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो बुराई में ना करो मैं आपसे कहता हूं मुझे पानी पिला दें बिल्कुल ठीक है लेकिन आप बगदार में दफन है कबर के अंदर मैं कहता हूं पानी पिला देखन की वायलेशन हो जाएगी क्योंकि आप दुआ के लिए पुकार रहे हैं वो अल्लाह की खसूसियत है यह है अल्लाह मौला तो यह तो बहुत सेंसिटिव इशू है यह मौला कोई भी नहीं है जो अल्लाह मौला है मददगार मुश्किल कुशा हाजत रवा एक मौला का माना है दिली महबूब जिससे आप आला दर्जे की मोहब्बत करते हैं तो वो तो फिर सारे ही हैं टॉप ऑफ द लिस्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्हलम इसीलिए हम दरूशरीफ क्या कहते हैं अल्लाह सल से ये दिना हुआ मऊला नाम मोहम्मद अल्लाह हमारे आका और हमारे मौला को तो दुरुद भेज हती के कुरान हकीम में अल्लाह तला ने अतहरीम की आयत नंबर चार में आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए क्या इर्शाद फरमाया अल्लाह तला फरमाता है, है कि फा इन अल्लाह हुआ मऊला हु। इस्लाम का तो मौला है अल्लाह व जबरील और जबरील व साल और सारे सहाबा भी वलमला तुबादली काही और फरिश्ते भी इसके बाद उनके मददगार हैं यहां पे मौला मददगार के मानों में आया है लेकिन कौन सी मदद जो अल्लाह की से उसकी इजाजत से आती है और वो क्या अल्लाह ने फरमाया कि नबी इस्लाम को अल्लाह ने जानसार सहाबा दिए तो वो जो सहाबा मददगार हैं वो अल्लाह की वजह से लेकिन ये नहीं हुआ कि कोई सहाबी फौत हो गया तो जरूर उसे मदद के लिए पुकार रहे हो कि किसबाद में हजरत हमजा शहीद हुए हैं तो आप खंदक में कह रहे हो आल मदद या हमजा या खैबर में पुकार रहे हो खैर ने मैं उसी को बुलाया जो सामने मौजूद था मौला हों को नहीं पुकारना उस तरह की मदद तो आप करेंगे वो जहरी इस बाब में आती है फरिश्ते कुरान कीम में आया कि अल्लाह की तरफ से गजब अहद और बदर में अनफाल में आते हैं मदद के लिए उतरे लेकिन कभी हजू ने कहा अलमद या जब्राईल अलमद या मिकाइल नहीं अल्लाह को पुकारा अल्लाह ने फिर ड्यूटी लगाई तो जब्राइल भी मौलान नबील इस्लाम के सहाबा को आपने आपकी हाथ मजबूत किए सहाबा भी मौला मददगार भी लेकिन जहरी इस बात है फरिश्ते भी तो कुरान में लिखा है मौला ज़्यादा हो सकते हैं वो जो मुस्लिम शरीफ से हदीस पेश करते हैं ना कि नबी इस्लाम ने कहा कि किसी को सैयद और मौला ना कहो उस हदीस को पूरा पढ़े वो अल्लाह के कॉन्टेक्स्ट में कहा है उन्हीं हदीस में इजाज़त है कि अगर वो अल्लाह वाला कॉन्सेप्ट ना हो तो आप कह सकते हैं तीसरा मौला का माना है ऐसे गुलाम के लिए भी मौला का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था जिसको उसका आका आजाद करते जैसे हजरत सफीना को क्या कहा जाता है मौला रसूल सल हजरत सोबान मौला रसूल हजरत जैद इब हारिसा मौला रसूल यानी ये इतने महबूब थे नबील इस्लाम को कि आपने इनको आजाद कर दिया गुलाम को वो कहते हैं जी मौला अली वाली दिशें अली बयान करता है बाकी साहबा को भी मौला कहे जैद को और वो वो वाला मौला नहीं कहा हुआ कि मन तू मौला हो हो फादा अली यून मौला वो है वो अजम करना है मैं आस्था था तो अज़म करा रहे हैं सारे माने बताऊंगा वो जिस वो मिया साहब का वो शेर है ना जिस मोहम्मद आ लोकी कलमा पढ़ दे वो मोहम्मद और क्योंकि उन्होंने अपने शायरी में ना अपना नाम रखा हुआ था मोहम्मद तो जब वो शेर आता था तो इधर भी कई लोग सैफुल मलूक सुन रहे होते हैं तो मोहम्मद आता है तो अंगूठे भी चूम रहे होते हैं वो अला मोहम्मद बख्श है वो मोहम्मद फिर उन्होंने शेर भी कह के गया इनको अभी तक नहीं पता चला तो उस शेर में वो कहते हैं जिस मोहम्मद अलौकी कलमा पढ़ दे वो मोहम्मद और तो मैं मोहम्मद और भाई जी जैद हा जो हारिसा अला मौला और मौला अली अला मौला और ठीक है सिर्फ अल्फाज के बराबर उन्हें से बातें एक जैसी नहीं हो जाती तो ये वाला मौला का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है फिर एक और मौला है और वो है पुष्ट पना के आका के सरप्रस्त के ये वाला जो माना है ना ये सबसे पहले जिसपे फिट होता है ना वो हमारे इमाम आजम मोहम्मद रसूल स में सुर की आयत नंबर सिक्स औला हैं मोमिन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं मोमिन के सरपरस्त हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माए हैं तो सरपरस्ती के मानों में आका के मानों में मौला नबी वसल्लम पहले नंबर पर हती के बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि एक मकरूज का जनाजा लाया गया तो नबी नबीलाम फरमाया कि मैं मकरूज का जनाजा नहीं पढ़ूंगा तुम पढ़ लो फिर एक शख्स खड़ा हुआ उसने क्या अरसुल्ला मैं इसका कर्जा अदा करूंगा तो आप ने फिर जनाजा पढ़ा दिया उसी हदीस में आगे आता है वह तो सयाबी कहते हैं कि जब नबी नबीम को अल्लाह ने माली तौर पर वसत दी गजब खैबर के बाद उसके बाद अगर किसी का जनाजा आता था ना तो आप अल्लाम यही आयत तिलावत करते थे औला बिल मिन और फिर आप कहते थे मैं सबसे बढ़कर सरप्रस्त हूं इस मकरूज का जनाजा इसका जनाजा पढ़ने से पहले कर्जा मैं उतारूंगा पीछे सरप्रस्तों का काम है ना उतारे वो रसा का तो आप फरमाते थे ये जो फौज हुआ है ये मेरे बच्चों की जगह है, मैं माले गनीमत से इसका कर्जा उतारूंगा तो इस बुखारी मुस्लिम की हदीस के तहत नबी नबीलाम अपने आप को सरप्रस्त कहते थे बाकियों का। तो ये जो फिर आयत हुई ओला बिल इसका मतलब क्या हुआ नबील आका हैं सरपरस्त हैं या वली हैं शिया वली का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते सारे मोमिन के ये आपने याद रखना है भूलना नहीं है क्योंकि मैं आपको अब अगली बात बताने लगा नबीसलाम के, नबी के बाद फिर इस उम्मत में जिसको मौला का लकम मिला है ना इन मानों में वो मौला अली करीम और ख़ुम की हदीस है सही मुस्लिम में ऊपर तले चार हदीस हैं सिक्स डबल टू फाइव से सिक्स डबल टू एट तक नबील इस्लाम ने हजरतलभा से वापसी पे मक्के और मदीने के दरम्यान खुम नामी गाँव में खुतबा देते हुए फरमाया ए लोगो आगा हो जाओ मैं भी एक इंसान हूँ करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ मैं अपने बातों में दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ उनमें से पहली भारी चीज अल्लाह की किताब है इसमें हदायत है इसमें नूर है अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है तुम इसे पकड़ो अपना ताल्लुक़ इसके साथ मजबूत करो जो इसे पकड़ेगा वो हदायत पे होगा जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा और दूसरी भारी चीज मेरे अहल बैत हैं मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ तीन दफा नबी इस्लाम ने फरमाया इसलिए आप सही मुस्लिम हदीस सिक्स डबल टू फाइव से एट तक चार हदीस के ऊपर बाप पता क्या है फजाइल मौला अली हालांकि इसमें मौला अली का कहीं नाम ही नहीं है वो इसलिए कि मुस्लिम शरीफ जब जिन लोगों ने इसके ऊपर तबवीब की बाब ब इमाम नबी को पता था ये किस मौके पर आप इस्लाम ने फरमाया वहाँ कौन था वो आपको डिटेल हदीस फिर मिलेगी जामिया तिरमजी में उसका एक हिस्सा डिटेल पूरी मिलेगी सुनन सुन नसाईकुब्र के अंदर अलमस्तदरकिम के अंदर मुस्नद इबाम अहमद में और मिश्कात में भी आपको तीसरी जिद में मिलेगा कि नबी इलास््लाम ने इस मौके पर जब यह फरमाया ना तो आप आप्लाम ने मौला अली को बुला के अपने साथ खड़ा करके अपना हाथ उनके हाथ के ऊपर रख के यू सहाबा में बुलंद करके कहा मन कुंतु मौला फादा फा अली मौला और इससे पहले आप ने सूर आजाब की आयत नंबर छ तलावत की औला बिल मिन नबी सरपरस्त हक है। रखते हैं जानों से भी बढ़ के उम्मतियों के ऊपर क्यों उम्मतियों का काम है कि नबी को बचाने के लिए अपनी जान दे दे इतना हक हाँ है अपने मां बाप उला हाँ तो तो बना रहे हक वलायत वाला सरप्रस्ती वाला तो तारे जमीर साहब ने जब मौला का तर्जमा यह कर दिया तो सारे पंजे झाड़ के उनके पीछे पड़ गए कहते हैं अपनी तरफ से अपनी तरफ से कहा है

और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे और सर इससे बढ़ के तो मुस्लिम की हदीस है टू फोर जीरो अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन अली से बुक्स नहीं रखेगा मगर मुनाफिक फिर जो फ़जाइल से आबाद बंबल की किताब में जो दो हदीसें हैं मौला अली से मौकूफ़न के उन्होंने फरमाया कि मेरी वजह से दो फिर गुमराह हो जाएँगे और दो फिरके दोखे में चले जाएँगे एक मेरी मोहब्बत में गलूब करके और एक मेरी दुश्मनी में तो हम मोहब्बत में गलूब करने वाले तो सारे कहते हैं वो राफ़ हैं तो ये दुश्मनी में गलूब करने वाले कौन हैं खुद ये जो ये बयान कर रहे होते हैं इसलिए वो छुपा जाते हैं अल्लाह माफी दे आप और शज़ाद भाई ने जरा सुनाया हमारे एक शिजाद भाई है ना तो वो एक अहलेस भाई को ना ये दीज सुना रहे थे तो उन्हें कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा उसने आगे से सवाल कर लिया कि ये जो दुश्मनी करने जो मोहब्बत करने वाले हैं वो तो ये शी राफी हैं तो ये जो दुश्मनी में बुक्स रखते रखने वाले ये कौन है तो उन्होंने कहा यार आप असी <laughs> तो देख ले आप मौला अली आप कह दें तो चिड़ सारे पंजे झाड़ के निकल निकलिए मौला तारे जमील हाफिजाल्ला तला के खिलाफ कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है उन्होंने ख्याल भी नहीं किया उन्होंने कहा तार जमील गुमराह हो गया इसलिए तार जमीर साहब ने भी इन इनपे चार तकबीरें पढ़ दी हैं उनको भी पता चल गया कि ये लोग तो यानी सच्चाई को कबूल नहीं करेंगे तो यहां मौला का माना सरप्रस्त है फिर वो क्लिप चढ़ाए हुए बड़े बड़े मुफ्तियों ने वो कहते हैं जी आगे पढ़े आगे आगे लिखे मोहब्बत अली से मोहब्बत रखे उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे तो इसका मतलब है कि यह मौला का माना था दिली महबूब और पीछे पढ़ो पीछे पीछे है अन समझ आई जैसे अगे पढ़ोना पिछड़े पढ़ो वाले नहीं अल्लाह मंगने, मंगने और इस दिन सरातल मुस्तकीम सीधा रास्ता नबील इस्लाम का तो कुछ अगू पढ़ते कुछ पिछू फट देने स्टार्ट ही दीस्से हुई सर ये जो मैं कर रहा हूं इनशाला हैं ना क्या तक के लिए मुंह बंद हो जाएंगे बयान जो 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 कर दिए अब लोग खुद फैसला करेंगे कि यहां पर मौला का माना क्या है जब यह आयत पड़ी जा रही होनी और बल्कि मुसरद अहमद में अल्फाज हैं हमारे नजदीक तो वो वाला हिस्सा जयीफ है लेकिन कितने मुहदसिन है जो उसको सही समझते हैं इंक्लूडिंग ब्रेलवी देवबंदियों के बुजुर्ग कि जब नबीम ने यह फरमाया तो सैदना उमर ने आके हजरत अली को कहा कि आपको मुबारक हो आप तो सारे ममिन के मौला बन गए हैं तो अजरत उमर जब यह कह रहे थे कि आपको मुबारक हो आप मौला बन गए हैं तो अजरत उमर को भी पता था मैं मौला हूं तो हजरत अली को कहना चाहिए था कि यार मौला तो तुम भी हो सारे से आबादा से मोहब्बत रखनी चाहिए हजरत उम्र हजरत उम्र खुद मौला नहीं थे क्या

अहल बैत की दुश्मनी इंसान को कहाँ तक ले जाती है कि आपको फिर बहुत कुछ छोड़ना पड़ जाता है तो बेहतर यह है कि आप सुबह शाम तस्वीर निकाला करें सिर्फ एक दफ़ा कह लिया करें क्या ना, ना मैं वाबी ना, ना बार। मैं बाबी मैं हूँ मुस्लिम इलमी किताबी ना हम सौ कार्ड भाभी हैं कोई इमी बात कर उसे भाभी की गाली दे देते हैं अपने जोम में से गाली समझते हैं और ना हम बबों का दिफा करने वाले बा हैं हम इलमी किताबी हैं तो मौला अली हमारे मौला है जी और इनशाला हमें क्या दिन मौला अली के साथ हमारी दुआ है अल्लाह ताली हमें उनके साथ मशूर फरमाए अह बैद के साथ मशहूर करें और मौला अली के दुश्मनों को उनसे बुक्स रखने वालों को आलमैया के साथ मशूर करे जिनकी वो तरफदारी कर रहे होते हैं ठीक है ताकि उनको कहते हैं बयान नहीं वो एक अहिलसालम मुझे कहने लगे कि यार वो कटरनास भी थे फिर बाद में जब वो चेंज हुए सिक्सटी प्लस एज या कहते हैं, मैंने जुम्मा पढ़ाया तो मेरे मामू भी थे जो हदीस आलिम थे ये ये हदीस का आला बंदी बिरलवी तो बेचारे बिल्कुल ही गए गुजरे होते हैं तौर पर फिर भी हदीस की अप्रोच फिर भी इल्मी है कुरान हदीस से शगफ होता है तो कहते हैं मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में मुहर्रम का जुम्मा फजाइल अल बैत पर पढ़ाया तो कहते हैं उसमें मैंने हदीस बयान कर दी कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन अली से बुक्स नहीं रखेगा मगर मुनाफिक तो मेरा जो मामा जो आलिम था मुझे कहने लगा एदीस कितने लिखी है तो मैंने कहा मुस्लिम शरीफ में कहना लिखी हुई सी तो जरूरी तो नहीं कि बयान भी की जाती कि अगर लिखी हुई थी तो जरूरी था बयान भी करते ये सर लिटमस टेस्ट है किसी जो कहता ना मुझे अले बैद से बड़ी अकीदत है नहीं नहीं हम साहबा का भी इतना करते हैं अल बैद का आप उसको एक मैसेज कर दें अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन अली से बुक्स नहीं रखेगा मगर मुनाफिक तो आप उसके रिस्पॉन्स से चेक कर लीजिएगा वो कितनी मोहब्बत करता है लेकिन ये आप जाली हदीस बना लें कि अबू बकरमान से मोमिन ही मोहब्बत रखेगा और इससे दुश्मनी मुनाफिक ही रखेगा आपको कुछ भी नहीं कोई करेगा आप किसी आलिदीस की मस्जिद में ये वाइट बोर्ड पे हदीस लिख के लगा दे अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन अली से बुक्स नहीं रखेगा मगर मुनाफिक तो आप देखिएगा फिर शाम तक वहां पे गड़बड़ शुरू हो जाएगी कुछ यह लिख गया और अबू बकर के लिए जाली बना के लिख दे कोई तकलीफ ही नहीं होगी आपको मैं बता रहा मैंटेलिटी कैसे बनाई गई है तो जब जो बीमारी होती है ना उसी का इलाज होता है मुझे कहते हैं आर आए दिन हर लेक्चर में रफुल्दैन का जिक्र करता है कभी सूर्य फातहा की को तलावत कर दिया करे को अत्ता याद सुना दिया करे भाई जिसमें मुसीबत पड़ी हुई है उसी का जिक्र करूंगा ना फातह तो पढ़ रहे हैं अत्ता याद भी पढ़ रहे हैं छोड़ा रफुल्दैन हुआ है तो मैं रफ अलीन पर जोर दूंगा ना यहां पर भी सुनियन जो छोड़ा हुआ है मैंने उसी के ऊपर ही जोर देना है ना हजरत अबू बकर उमर उस्मान से तो कोई सुनी बूझ नहीं रखता मसला यहां पर है वो कहते हैं हम इनकारी तो नहीं हजरत अली की शानों के हम कहते हैं इनकारी का मसला नहीं है आप इकरार ही नहीं है हम कब कह रहे हैं आप इनकारी हैं जितने मत से आप बाकियों के लिए इकरार करते हैं मौला अली के लिए भी करें इनके ऊपर भी कॉन्फ्रेंस करवाएं आप तो मुहर्रम के चार के चार जुमे जो हैं शिया के खिलाफ पढ़ा जाते हैं अहल बहद के फजाल का जिक्र नहीं करते और जो ज्यादा जरा बदबक है वह फजायल यजीद पर पढ़ा देते हैं तो फिर अलहबैद की बारी कब आएगी खुद आपने उनको उनके खाते में डाल दिया हुआ है खैर अल्लाह का शुक्र है अब तो मैं इन सेटिस्फाई हूं इतना कुछ काम यूट्यूब तआला और तूगल दामद बरकातुम आलिया और फेसबुक मुद्दा जिल्लोहू और आयतुल्ला व्हाट्सऐप अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है सर व्हाट्सऐप बहुत बड़ी निशानी है सेकंड्स में लाखों लोगों तक आपका मैसेज पहुंचता है तो इन चार हक चार यार ये जो अल्लाह ने दिए हमें गूगल यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप ये अल्लाह ने जो हमें दिए हैं ना जी इसके जरिए अल्लाह का शुक्र है कि सारी गुमराहियों का खात्मा हो रहा है अलहमद ठीक हो गया अल्लाह तला से दुआ जो हक बात मैंने कही अल्लाह हमारे दिलों में रासिक फरमाए अगर जज्बात में मेरे मुंह से गलत बात निकल गई अल्लाह तला हमारे दिलों से माफ कर दे सुबह नकल हम اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين